हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके अयोध्या राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण 22 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। तो 5 अगस्त 2020 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर का भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया था। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो राम मंदिर की ऊंचाई आपका 161 फीट होगा। अगर लंबाई की बात करेगा तो 380 फीट है और चौड़ाई आपका 250 फीट है। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर में कितने खंभे होंगे। तो खंभे आपके 392 होंगे। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर में कितने मंडप होंगे। तो 5 आपका मंडप होगा। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर का वास्तुकार कौन है। तो राम मंदिर का वास्तुकार आपका चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा। तो 22 जनवरी 2024 ईस्वी को होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा। तो 84 सेकेंड का होगा। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा L&T कंपनी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो अयोध्या आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामलला के नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो 51 इंच है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या में 22 जनवरी को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है। तो यह आपका 108 फीट लंबी है। अगला क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो उस समय आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिन तक चली थी। तो आपका 40 दिन तक चला था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद फैसला सुनाने वाले 5 जज कौन थे। तो देखिए कौन कौन थे। तो एक आपके रंजन गोगोई थे, एक आपके DY चंद्रचूड़ जी थे, एक आपके शरद अरविंद बोबड़े थे, एक आपके अशोक भूषण थे और एक आपके अब्दुल नजीर थे। तो पांचों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण आपका 528 ईस्वी में मीर बाकी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। तो 9 नवंबर 2019 ईस्वी को सुनाया था। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। तो अयोध्या का प्राचीन नाम आपका साकेत था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था। तो इसे आपका 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को तोड़ा गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपका PV नरसिंह राव थे। तो आज हमने आपके अयोध्या राम मंदिर से महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।